व्यूअर, टैली की इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज मीन बाय एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट को समझना चाहिए कि एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है, ठीक है। एक्सपेंस अकाउंट को अगर हम डिफाइन कर लें, एक्सपेंसिस मीन्स द एक्सपायर्ड कॉस्ट इनकर्ड फॉर अर्निंग रिवेन्यू ऑफ सर्टन अकाउंटिंग पीरियड्स। दे आर द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज यूज अप इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रिवेन्यू। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट बिकम पॉसिबल टू अर्न रिवेन्यू विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंसिस। एक्सपेंसिस के थ्रू अगर आप रिवेन्यू को अर्न करना चाहें तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंसिस, या इसको हम कहते हैं एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स को परचेज करना चाहें तो लाजमी बात है कि आपकी एक्सपेंसिस होगी, ठीक है। इसके अलावा वेजेस, सैलरी, रेंट, कैरिज, कस्टम ड्यूटी एट्सेट्रा, ऑल दीज आर द एक्सपेंसिस। वी हैव टू इनकर ऑल दीज एक्सपेंसिस इन ऑर्डर टू अर्न रिवेन्यू, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंसिस। एक्सपेंसिस आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक्सपेंसिस हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, नंबर फर्स्ट वन डायरेक्ट एक्सपेंसिस, नंबर सेकेंड वन इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसिस को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एक्सपेंसिस कनेक्टेड विद परचेज ऑफ गुड्स आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसिस। वो एक्सपेंसिस जिसका ताल्लुक परचेजेस ऑफ गुड्स से हो, ठीक है। मतलब अगर आप गुड्स परचेज करते हैं तो उस पर आपके जितने एक्सपेंसिस होते हैं आपके, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसिस, ठीक है। और इसके जो अपोजिट है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस। वो एक्सपेंसिस जिस पर ऐसे एक्सपेंसिस जिसका ताल्लुक परचेज ऑफ गुड के साथ ना हो। इट मींस दैट अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो उस पर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं तो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। इसके अलावा हमारे वो एक्सपेंसेस जिसका ताल्लुक गुड्स के साथ ना हो, मतलब परचेज ऑफ गुड्स के साथ ना हो, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल अगर आप ले लें, ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल फ्रेट चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, इसके अलावा कैरिज, डेली वेजेस, कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी एट्सेट्रा, ऑल दीज आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, रेंट ऑफ बिल्डिंग, सैलरीज टू एम्प्लॉइज, लीगल चार्जेस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन, प्रिंटिंग चार्जेस, ऑल दीज आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक। अब आप समझ गए कि व्हाट इज मीन बाय एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो इसको हम टैली अकाउंट सॉफ्टवेयर में किस तरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं टैली अकाउंट में इसको हम किस तरह क्रिएट करते हैं। टैली अकाउंट में अगर आपने एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट करना हो, ठीक है, तो जितने भी अकाउंट्स हैं उसको अगर हम मेंटेन करना चाहें, उसको अगर हम क्रिएट करना चाहें, अगर अल्टर करना चाहें, ठीक है, तो वो गेटवे ऑफ टैली के मास्टर पोर्शन से हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट इन्फो पर आप क्लिक कर लें, और यहाँ पर आप लेजर पर आप क्लिक कर लें। लेजर पर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली अकाउंट इन्फो में लेजर दो तरह के आप क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल लेजर, और सेकंड वन जो ऑप्शन है वो है मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर मींस एट द सेम टाइम यू कैन क्रिएट ओनली वन अकाउंट, ओनली वन लेजर। मल्टीपल लेजर मींस यू कैन क्रिएट एट अ टाइम मोर देन वन लेजर, ठीक है। मतलब आप ग्रुप में मोर देन वन लेजर क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम मल्टीपल लेजर, और अगर आप सिंगल लेजर क्रिएट करना चाहें तो यहाँ से आप सिंगल लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि हम मोर देन वन लेजर क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर हम इस तरह करते हैं मल्टीपल लेजर पे जाते हैं। यहाँ पर क्रिएट बटन पर आप डबल क्लिक कर लें, जब आप क्रिएट बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड से आप ई प्रेस कर लें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस डायरेक्ट, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, ठीक है। इट मीन्स दैट आप क्रिएट कर सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर ले अंडर ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इस पर आप डबल क्लिक कर ले। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पर सेलेक्ट होगा, इस ये ऑप्शन इधर आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब आप वन बाय वन डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेट चार्जेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट हो गया। सेकंड वन अकाउंट अगर आप क्रिएट करना चाहें, डेली वेजेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट है। इसके अलावा
कस्टम ड्यूटी, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट है, इम्पोर्ट ड्यूटी ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है। इसके अलावा इंश्योरेंस, ट्रांजिट ऑफ गुड्स, ठीक है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट है। इसके अलावा आप और भी डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पांच अकाउंट्स हमने क्रिएट किए, ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट हम कहते हैं, ठीक है। एंटर किया प्रेस कर ले, फिर एंटर किया प्रेस कर ले, यहाँ पर एक मैसेज आएगा एक्सेप्ट येस आर नो, तो आपने येस पर डबल क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो अब आपने देखना है, वेरीफाई करना है कि आया हमारे जो लेजर्स हैं डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट से वो क्रिएट हुए हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आपने डिस्प्ले पर डबल क्लिक करना है। डिस्प्ले पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेट चार्जेस, इम्पोर्ट ड्यूटी, इंश्योरेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स, और इसके अलावा डेली वेजेस, कस्टम ड्यूटी, ये अकाउंट्स यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट हो गए, अब हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट करना है। तो वो हम किस तरह क्रिएट करेंगे, अकाउंट इन्फो में आना है, फिर यहाँ से आपने लेजर सेलेक्ट करना है। लेजर सेलेक्ट करने के बाद मल्टीपल लेजर आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। जब आप मल्टीपल लेजर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अंडर ग्रुप में आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट टाइप कर ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, ऑल आइटम आपको विजिबल है, यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप डबल क्लिक कर ले तो ये ग्रुप बन जाएगा। अब ग्रुप में वन बाय वन आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने रेंट ऑफ बिल्डिंग, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट है। सैलरी ऑफ एम्प्लाइज, सैलरीज ऑफ एम्प्लाइज, लीगल चार्जेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट है। इसके अलावा प्रिंटिंग चार्जेस और इंश्योरेंस और बिल्डिंग, ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट है। तो पांच मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट किए और पांच मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट किए, ठीक है। अब आपने एंटर की प्रेस करना है और यहाँ से आपने येस विंडो में डबल क्लिक करना है, येस ऑप्शन पर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने कंफर्म करना है कि आया डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट हो गए या नहीं, ठीक है। सिंगल लेजर में डिस्प्ले ऑप्शन पर आप डबल क्लिक कर ले, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, लीगल चार्जेस, प्रिंटिंग चार्जेस, रेंट ऑफ बिल्डिंग्स, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज, ऑल दीज आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर कि किस तरह हम डेली अकाउंट सॉफ्टवेयर में एक्सपेंस अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं और एक्सपेंस अकाउंट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट आप किस तरह क्रिएट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।